सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे वो गूगल क्रोम हो या कोई सा भी ब्राउज़र हो, और वहाँ यूआरएल में टाइप करना है कोविन स्पेस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब दिख रहा होगा कोविन पोर्टल, उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर योर सेल्फ करके, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर उसमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मुझे यहाँ पे अभी ओटीपी रिसीव हुआ और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, देख लीजिए। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करो और ये पेज खुलेगा। यहाँ पे जो नोट में लिखा है वो पूरा पढ़ो, क्या क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। फिर अगर आप अपने घर में भी किसी और को भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 मेंबर तक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर 18 प्लस स्लॉट अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको ये साइट को क्लोज करके फिर कुछ देर के बाद आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे अपना कोई सा भी आईडी प्रूफ दे सकते हो, मेरे केस में मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ और मैं प्राइवेसी के हिसाब से मैं ब्लर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पे लिखा है नेम एस इन आधार कार्ड, तो आपको वही नाम लिखना है जो आधार कार्ड में मेंशन है। यहाँ पे आपको खाली ईयर टाइप करना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करो, फिर ये पेज खुल के आएगा कि इंडिविजुअल रजिस्टर सक्सेसफुली पॉपअप आपको मैसेज दिखेगा ऊपर। नीचे जो भी लिखा है वो ध्यान से पढ़ो और यहाँ पे शेड्यूल नाउ पे क्लिक करो, वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करो। यहाँ पे आपको आपका एरिया का पिन कोड टाइप करना होगा, नहीं तो उसके बाजू में सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। कि उन्होंने पहले ही कहा था अगर 18 प्लस की स्लॉट अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप साइट को क्लोज करके फिर कुछ देर के बाद ओपन करके देख सकते हो। मेरे केस में भी 18 प्लस की स्लॉट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं बाद में मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 प्लस ही बता रहा है, तो मैं ये बाद में ही कर लेता हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।